हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पीई रेशियो के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये क्या होता है और एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो आपके लिए इन फाइनेंशियल टर्म्स को समझना जरूरी भी है और आपकी नॉलेज को ये अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाती भी है। तो उस हिसाब से आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है, और ऐसे ही फाइनेंशियल टर्म से जुड़े हुए और भी बहुत सारे टर्म हैं जिनकी धीरे धीरे आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट हिंदी में इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी हिट जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और एक चीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप कम्प्लीटली बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके जिससे आपको समझने में परेशानी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिक फॉर्मूला जो है पीई रेशियो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका बेसिक फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक सिंपल रेशियो होता है जिसे हिंदी में अनुपात कहा जाता है, जो कि प्राइस और अर्निंग का अनुपात निकाल के हम इसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, जिसको मेजर किया जाता है टाइम्स में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरी कोई मोबाइल रिटेल की शॉप है, जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर हम मोबाइल बाय एंड सेल करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मेरा इस एग्जांपल को समझने के लिए आप सिंगल मोबाइल की परचेस और सेल के हिसाब से मैं कैलकुलेशन को आपको बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे कोई मोबाइल है जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है 10,000 की, तो जो मेरा प्राइस हो गया वो 10,000 रुपीज हो गया और इसको मैं सेल करता हूँ 15,000 में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सेल करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हो गई, यानी कि मेरी अर्निंग हो गई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो थी वो थी 15,000 रुपीस और जो मुझे परचेस कॉस्ट पड़ी वो थी 10,000 रुपीस, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 5,000 का, यानी कि मेरी अर्निंग हो गई 5,000 रुपीस की। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के जरिए अब पी रेशियो को निकाला जाए एक इंडिविजुअल के लिए, तो देख सकते हैं पी रेशियो का जो फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो यहाँ हमारी प्राइस होती है 10,000 रुपीस, जो कि परचेस कॉस्ट थी उस सिंगल मोबाइल की, और उस सिंगल मोबाइल को मैंने जो सेल किया उसके बाद मुझे होने वाली अर्निंग जो हुई वो 5,000 रुपीस की हुई, नेट प्रॉफिट यानी मेरी अर्निंग। जी हाँ फ्रेंड, तो देख सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए तो देख सकते हैं ये निकल के आता है 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो देख सकते हैं सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाता है। इस फ्रैक्शन में आप समझ सकते हैं, यानी कि इसे टाइम्स में मेजर किया जाता है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ये जो मेरा आंसर आ गया पीई रेशियो का फाइनल आंसर आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में पीई रेशियो मेरी होगी 2 टाइम्स, तो इसका एक सिंपली मतलब ये हुआ कि मुझे 1 रुपए की अर्निंग के लिए 2 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, 2 टाइम्स मुझे लागत पे करनी पड़ रही है। समझे फ्रेंड्स, 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपको दुगुनी लागत लगानी पड़ रही है, यानी कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपको इस केस में 2 रुपया लगाना पड़ रहा है, तो इसे पी रेशियो के द्वारा निकाला जाता है। तो पी रेशियो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इसके जरिए आप किसी भी शेयर की ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन या कंपनी का शेयर जो है फेयर वैल्यूएशन पर मौजूद है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपए की लागत के लिए 2 रुपए दे रहा हूँ, तो ये जितनी ज्यादा पी रेशियो निकल के आएगी, जितनी ज्यादा टाइम्स निकल के आएगी, उतनी ज्यादा पी वैल्यूएशन महंगी साबित होगी, और जितना ही कम होगा वो अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाएगा, और जितना 1 के आसपास, यानी एक जनरल स्टॉक के टर्म में अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट के, तो एक पी रेशियो जो कि 30-50 के आसपास रिजनेबल समझा जाता है, और ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है। तो ये सारे बेस पर पी रेशियो की कैलकुलेशन की जाती है। ये थी एक सिंगल टर्म में पी रेशियो का कैलकुलेशन, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला था, और वहीं इसको स्टॉक मार्केट से जोड़ा जाए तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, किसी स्टॉक का पी इज इक्वल टू उस स्टॉक की करंट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय उस स्टॉक की अर्निंग पर शेयर। जी हां फ्रेंड्स, एक सिंगल शेयर के पीछे कंपनी का
कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है उस प्राइस को पकड़ा जाता है, यानी कि ईपीएस कहा जाता है, अर्निंग पर शेयर जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसे शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, जो कि एक सिंगल स्टॉक की ईपीएस निकाली जाती है। तो ये दोनों भी आपको वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन पर डायरेक्टली मिल जाती है, और यहाँ तक कि आपको पी भी एग्जैक्टली मिल जाता है, बट यहाँ हम उसके बेसिक टर्म को समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली पी में कैलकुलेशन क्या होती है। तो देख सकते हैं स्टॉक मार्केट के केस में प्राइस डिवाइडेड बाय, यानी कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी की कमाई कितनी है सालाना, उससे डिवाइड होने पर जो आता है वो पी रेशियो होता है। जैसे एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझते हैं डीमार्ट के एग्जाम्पल को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैलकुलेट करके देखते हैं एग्जैक्टली वो सही आता है कि नहीं, वो हम देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डीमार्ट का करंट प्राइस चल रहा है 4710 रुपीज का है, और इस कंपनी की ईपीएस आप देख सकते हैं, यानी कि एक शेयर के पीछे अर्निंग वो हो गई 21.20 की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका 222 टाइम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि आपको एक रुपए की अर्निंग के लिए डीमार्ट में 222 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 222 गुना आपको पे करना पड़ रहा है, यानी कि एक रुपए की अर्निंग के लिए आप 222 रुपीस लगा रहे हैं। ये हो गया सिंपली स्टॉक मार्केट में जो पी रेशियो होता है उसका मतलब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें फ्लक्चुएशंस कैसे होती है, तो ये बेसिकली दो टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉक की प्राइस और स्टॉक की अर्निंग। इसे सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन को समझने के लिए मेन आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं, जो हमने मोबाइल रिटेल शॉप का एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने प्राइस ली थी 10,000 की और हमारी अर्निंग हुई थी 5,000 की, तो वो निकल के आया था हमारा 2/1, यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि पी रेशियो में अगर कोई भी चेंजेस होती है तो उसके लिए या तो उस स्टॉक का प्राइस जिम्मेदार है या तो फिर उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं अगर अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी की कम होती है तो वहीं पी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मोबाइल वाले एग्जांपल से आप समझिए, जो हमने अर्निंग पर शेयर जो उसमें उस कंडीशन में जो हमने मोबाइल की प्राइस ली थी 10,000 और उससे होने वाली अर्निंग 5,000 थी हमारी, तो उसी में अगर चेंजेस किया जाए, मान लीजिए कि मोबाइल का प्राइस 10,000 ही है लेकिन उसमें अर्निंग ओनली 1,000 रुपीज की होती है, तो उस केस में आपका जो पीई रेशियो निकल के आता है वो होता है 10 का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको एक रुपए कमाने के लिए 10 टाइम्स देना पड़ेगा। तो अगर ईपीएस कम हो गया आपका अर्निंग पर शेयर, तो वहीं पर आपका पीई रेशियो बढ़ जाता है, समझे फ्रेंड्स। वहीं आपका अगर प्राइस ज्यादा है, यानी कि सपोज वो 10,000 के जगह 50,000 की प्राइस होती और उस पे अर्निंग वही 5,000 रुपीज होती, तो भी आपका ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिलता। जी हाँ फ्रेंड्स, तो भी वहां पर आपका ईपीएस 10/1 ही आता, यानी कि 10 टाइम्स आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स निकल कर आता। तो ये दोनों प्राइस और अर्निंग, ये दो फैक्टर पर ही आपका पी रेशियो डिपेंड करता है। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ रहा है, मान लीजिए मोबाइल का प्राइस 50,000 बढ़ रहा है बट मेरी अर्निंग 5,000 पर ही है, मेरी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, और ऐसे केस में पी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपको ऐसी कंपनियों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस बढ़ रहा है बट उनकी अर्निंग तो कहाँ स्टेबल है, नेक्स्ट ईयर भी अर्निंग 5,000 की है और प्राइस आज 10,000 रुपीज हो गई है, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली समझदार होंगे तो अवॉइड करेंगे। तो वही सिलसिला अपने स्टॉक मार्केट में भी होता है, प्राइस बढ़ते जा रहा है स्टॉक का लेकिन अर्निंग वही की वही है, स्टेबल है, निगेटिव है, लेकिन प्राइस देख रहे हैं तो कितने तेजी से प्राइस में मूवमेंट आ गया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग ये चीज को नहीं समझते हैं वो लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत महंगे प्राइस पर है, सस्ते प्राइस पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। आपको इसका जो मेन तोल मतोल है वो समझ में आ गया तो आप समझ पाओगे कि अर्निंग बढ़ी है तो प्राइस बढ़ रहा है, या प्राइस बढ़ रहा है अर्निंग स्टेबल है तो प्राइस बढ़ रहा है, वो दोनों चीजों को समझ के आपको चलना पड़ेगा। तो सही डिसीजन कब होगा, जब आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट उसी तरह से देखने को मिल रहा है जिस तरह से उनकी अर्निंग बढ़ रही है, और उस हिसाब से पी बढ़ता है, तो ये आपका जजमेंटल ठीक ठाक बैठ रहा है। अदरवाइज आपकी अर्निंग घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी स्टॉक प्राइस में तेजी है, तो पी महंगा होते जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि बहुत महंगा हो रहा है, अभी खरीद लेते हैं नहीं तो और महंगा हो जाएगा, तो ये रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसके साथ साथ दूसरी अदर फैक्टर्स क्या है, पी रेशियो के साथ साथ और भी क्या चीजें आपको समझनी है,
तो वो हम आगे समझेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें बताई मैं स्टॉक मार्केट से आपको लिंक करके बताता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेंगे डीमार्ट का। तो आप डीमार्ट का ये चार्ट देखिए, जहां पर डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 222 का दिखा रहा है, और वहीं थर्ड नंबर की जो कंपनी है वीमार्ट रिटेल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्टॉक का करंट प्राइस देख सकते हैं, ये भी 4000 के तकरीबन चल रहा है, और इसका पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं 2191 का है। तो ये और महंगे वैल्यूएशन पर दिख रही है डीमार्ट से भी ज्यादा। डीमार्ट तो रिजनेबल है और वीमार्ट देख सकते हैं 2191 का पी वीमार्ट का देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या चेक करना है दोनों कंपनियों में कि डीमार्ट सही है कि वीमार्ट सही है, वो आप कैसे समझ सकेंगे वो हम आगे समझते हैं। सो फ्रेंड्स, डीमार्ट का नेट प्रॉफिट देखिए 417 का है क्वार्टरली, और वहीं वीमार्ट का देख सकते हैं निगेटिव है ईपीएस -14 का। ये थी क्वार्टरली, तो इसी के आगे इनकी सेल्स क्वार्टरली सेल्स देखते हैं। तो डीमार्ट की सेल्स देख सकते हैं आप 7788 करोड़ की थी, और वहीं वीमार्ट की क्वार्टरली सेल्स ओनली 337 करोड़ की। समझ रहे फ्रेंड? और तो डीमार्ट में तो ये रिजनेबल ही लगता है कि डीमार्ट 222 के पी पर है, बट वीमार्ट का आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर कि वीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना महंगा क्यों है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंपल सा आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए, अगर आप इसके पहले का एक्सप्लेनेशन समझे होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो प्रॉफिट है वो घटते नजर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अर्निंग पर शेयर घट रहा है, अर्निंग पर शेयर घटेगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, इस वजह से बढ़ रहा है, उल्टा इनका प्रॉफिट घट रहा है यानी कि ईपीएस घट रहा है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको चीजें पकड़नी है, तब जाके आपको एग्जैक्टली प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका मतलब समझ में आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं वीमार्ट का हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं वीमार्ट के, तो हमें और ज्यादा क्लियर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इनके ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखिए, क्वार्टरली में आपने एक अंदाजा लगा लिया कि इनका ईपीएस क्यों निगेटिव हुआ है, और वहीं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पिछला साल जो 2021 फाइनेंशियल ईयर था उसमें निगेटिव प्रॉफिट दर्ज हुई थी, नेट प्रॉफिट -6 करोड़ की। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके पहले की तेजी देख सकते हैं इनके प्रॉफिट में लगातार। लास्ट ईयर 2019 का जो मार्च 20 का फाइनेंशियल ईयर था वो 49 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, वहां से सीधा घट के -6 करोड़ की हो चुकी, यानी कि इनका इन्होंने लॉस दर्ज किया 49 करोड़ से सीधा लॉस -6 करोड़ का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ईपीएस भी देख सकते हैं 27.18 के ईपीएस से सीधा -3.15 की ईपीएस हो चुकी है। तो ईपीएस कम होने की वजह से डेफिनेटली है कि इनका पी बहुत ज्यादा देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, ये लॉजिक था प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने का। और अदर फैक्टर्स की बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या महंगे पी पर स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये डाउट और कंफ्यूजन हर किसी को होता है मार्केट में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी खरीदना चाहिए, बट उसके पीछे आपको कुछ लॉजिक और भी समझना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उसकी बात करते हैं, वो भी एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, हमने जो मोबाइल शॉप का जो एग्जांपल लिया था उसी में आगे हम और उसको क्लैरिटी से समझते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रिटेल शॉप थी उसमें समझ लीजिए कि हम वेरियस ब्रांड के मोबाइल फोन्स बेचते हैं, लाइक एप्पल का आईफोन, वन प्लस, एप्पो और रियलमी, ये सारे डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट ब्रांड्स नेम के हम मोबाइल शॉप बेच रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डिफरेंट ब्रांड्स के हम मोबाइल्स सेल कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हर किसी का एक पी रेशियो एक एग्जांपल के जरिए निकालते हैं। मान लीजिए कि एप्पल के आईफोन में जिसके पी रेशियो है 4:1 यानी कि 4 times का पी रेशियो है, और वहीं वन प्लस के केस में 2 times का पी रेशियो है, और रियलमी या ओप्पो के केस में 1.5 times का पी रेशियो है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा कि एप्पल का आईफोन महंगा है अदर दोनों ब्रांड से, वन प्लस एंड ओप्पो से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली एप्पल का आईफोन महंगा है, तो उसके पीछे की रीजन क्या है कि वो महंगा क्यों है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप क्लियरली समझिए, इसी को हम मार्केट से रिलेट करेंगे आगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सो फ्रेंड्स, एप्पल का आईफोन महंगा क्यों है वो जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आप एप्पल के आईफोन को 4 गुना अमाउंट देने को क्यों तैयार है दूसरे किसी अदर ब्रांड से, तो उसका रीजन क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एप्पल के आईफोन के फंक्शंस अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, गुडविल कंपनी जो है एक एमएनसी कंपनी है, बैटरी बैकअप सही है,
बैटरी ऐसी है कि वो हीट नहीं होती है, उसके फंक्शन लोगों को पसंद है, उसका टच बहुत फास्ट है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स हैं जो एप्पल के आईफोन में है, जो अदर ब्रांड में शायद थोड़ी मोड़ी कमियां जरूर होगी, तभी वो सस्ते प्राइस पर भी हैं। और एप्पल एक यूनिक गुडविल रखता है मार्केट में, तो इस वजह से एप्पल का आईफोन महंगा है। तो ये था एक मोबाइल का एग्जांपल। वहीं वन प्लस या फिर रियलमी की बात करें तो वन प्लस रियलमी ओप्पो से अच्छे क्वालिटी के फ़ोन लाता है, और ओप्पो या फिर रियलमी की बात करें तो वो थोड़ी रिजनेबल कैटेगरी में आती है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि यही कंपनियां जो हैं वो स्टॉक मार्केट में हैं, जिसमें एप्पल का शेयर है, वन प्लस के भी शेयर हैं और ओप्पो या रियलमी के भी शेयर्स हैं मार्केट में। जी हाँ फ्रेंड, तो एप्पल के आईफोन के प्राइस महंगे हैं, पी रेशियो महंगा है जिसे खरीदने के लिए। तो एप्पल का आईफोन का पी 4 times महंगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 1 rupees की अर्निंग के लिए एप्पल के शेयर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका 4 गुना पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हम एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के टर्म में आ गए। और वहीं वन प्लस के लिए 2 times पेमेंट करना पड़ता है, और ओप्पो या रियलमी के फ़ोन के लिए 1.5 गुनी आपको पेमेंट करनी पड़ती है एक रुपीज अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार ये तो एप्पल का आईफोन ओवर वैल्यूड है, वन प्लस को समझ लीजिए कि ये नॉर्मल वैल्यूएशन पर है, या फिर ओप्पो या रियलमी को बोलेंगे कि ये अंडर वैल्यूड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल के आईफोन्स महंगे हैं बिकॉज उनकी मार्केट में डिमांड है, उनके फंक्शन अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, समझ रहे हैं। तो उस वजह से लोगों में जो एप्पल के आईफोन के लिए डिमांड है और जो इस कंपनी की वैल्यू है वो बहुत इन्वेस्टर्स के माइंड में भी ज़्यादा है, और मार्केट में भी इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से एप्पल का आईफोन कभी आपको सस्ते में मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इनकी डिमांड एंड इनके नीड मार्केट में उस लेवल को मेंटेन करके चल रही है। इसे हम फाइनेंशियल्स में समझते हैं। एप्पल कंपनी की सेल्स रिवेन्यू अच्छी जनरेट हो रही है, सालाना इनकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, कंपनी के ऊपर कर्जे कम है, कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है। तो ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक का पीई आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और ये हमेशा आपको हाई पीई पर ही मिलेगा, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं मार्केट में। सो फ्रेंड्स, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन या फेयर वैल्यूएशन, ये सिर्फ एक फैक्टर पर ही निर्भर नहीं करता, इसके लिए बाकी सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको आज के इस वीडियो से एग्जैक्टली प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्लियर हो चुका होगा, और इसमें आपको कोई भी डाउट आई होप कि ना हो, और आगे शायद ही आपको कोई डाउट कभी होगी पीई रेशियो को समझने में। फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उसमें आप जरा भी संकोच मत कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। और साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो स्टॉक मार्केट हिंदी में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस